पंखा टूट गया, पंखा साफ है, पंखा टूट गया, पंखा 8-9 सालों में से बच्चा नहीं होती। अच्छा, मतलब उपाय करे हो? हाँ, उपाय करे सफेद आंकड़ा के पशुपति व्रतरी से देखिए भाई, कथा के बीच सभी लोग उठ गए पंडाल में। अच्छा, कहीं पे बैठ के सुन रहे हैं? अब क्या करें, पंडाल में जगह नहीं है तो धूप में नहीं बैठ सकते, उसी वजह से यहीं पे बाहर। अच्छा, थोड़ा छाँव मिल जाए करके। श्री शिवाय नमस्ते भक्तों भक्तों, आज कथा की पांचवी दिन पाँचवें दिन दोस्तों सुबह से ही भाई राहुल की संख्या में दोस्तों पब्लिक आ चुके हैं सकते हो। ये देखिए चारों तरफ दोस्तों कीड़े मकोड़े के टाइप भक्त बैठे हैं। कथा के बीच देख सकते दोस्तों, इतने लोग उठ गए भाई साहब। दोस्तों ये है भाई पंडाल की स्थिति, आप लोग देख सकते हो लाखों लोग तो दोस्तों बैठे रहते हैं भाई, और कथा के बीच बीच में आते रहते हैं बहुत लोग चप्पल पहन पहन के। वॉलंटियर को दोस्तों अभी मार दिए थे, थोड़ी बच गई। दोस्तों ये है वॉलंटियर, देख सकते हो चारों तरफ देखो खचा खच माहौल है दोस्तों आज। नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अब गाना ये देख सकते हो दोस्तों, चारों तरफ भाई खचा खच पब्लिक भर चुकी है। इतनी भीषण गर्मी में दोस्तों 45 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है, फिर भी देख सकते हो इतनी उमस भरी गर्मी में बैठे हैं भाई श्री भक्त। और यहाँ पे चल रही है दोस्तों भक्ति भजन, देख ही सकते हो दोस्तों। कुछ समय बाद दोस्तों आप लोग को बाहर की जो स्थिति है होती है वो दिखाएंगे, फिलहाल ये देख सकते हो। ये देख सकते हो दोस्तों, ये बच्चे लोग इसमें मस्ती कर रहे हैं। अरे ये मोटी को देखिए गाइस, पंखा टूट गया, पंखा पंखा टूट गया, पंखा ये देख धुआं धुआं हो गया पूरा पंडाल। पंखा टूट गया, देखो कोई सांप आ गया बोल रहा भाई साहब इसका। अरे मोर अम्मा सांप आ गए, मोर अम्मा सांप। देखे भाई कथा के बीच सभी लोग उठ गए पंडाल में। बोलबम का नारा है श्री शिवाय, श्री शिवाय। दोस्तों यहाँ दरिद्रता है भाई साहब, देख सकते हो। अगर कोई बिस्किट बांटने आए, चॉकलेट बांटने आए तो अपने आप मतलब झपट पड़ती है महिलाएं। तो ये दोस्तों यहाँ शिव महाप्राण सुनने आते हैं या झपटने खाने आते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता भाई साहब। क्योंकि यार कोई अगर आपके हाथ में दे रहा है तो लो, या फिर भाई झपटो मत। तो ये महिलाएं दोस्तों ऐसे करती है, ये देखते हैं झपट पड़ती है, मतलब कभी खाए ही नहीं है। बस मत करो यार, शिव को यार सुनो बढ़िया, अपना लेकर आओ अपना खाओ। नहीं यार देखिए दोस्तों, अचानक भाई पूरी पंडाल उड़ने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, देख सकते हो। सभी पंडाल उड़ने लगी दोस्तों अचानक से, और सभी लोग उठ के देख रहे हैं, देख सकते हो। ये आज की घटना है दोस्तों कथा के पांचवें दिन का। ये देखिए दोस्तों भयंकर भाई साहब इतनी धूप में बैठ गए दोस्तों। और यह भाई कथा पंडाल की लास्ट स्टेज, मतलब लास्ट पंडाल
आप लोग देख सकते हो दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों अद्भुत माहौल बनी हुई है, देख ही सकते हो। आए त्या ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर भी भाई इतनी धूप है दोस्तों, बहुत भरी गर्मी है, क्या ही बोल सकते हैं। कसम से दोस्तों 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है यहाँ पे और इतनी गर्मी है दोस्तों, क्या ही बोल सकते हैं। और इतना पब्लिक आया पंडाल में तो क्या ही बोल सकते हैं। और मैं भी धूप में भाई, इतना धूप है, अगर एक मिनट भी रुक जाऊँगा धूप में तो चक्कर लगा गिर जाऊँगा, इतना धूप है। फिर दोस्तों लाखों से भक्त आकर पंडाल में बैठे हैं, उनकी महिमा अपरंपार दोस्तों, भगवान भोले बाबा सभी को मनोकामना पूरा करे यार। ठीक है, चलिए अभी आप पंडाल में जाकर दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है, अंदर का नज़ारा देख रहे हैं दोस्तों। अपने आप को धूप से बचाने के लिए छतरी ओढ़ के आ रहे हैं भाई साहब इस प्रकार से। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग को गन्ना जूस और जो बर्फ़ का गोला होता है वो सारे चीज़ उपलब्ध हो जाएगा यहाँ पे। और भाई इतना जल रहा है दोस्तों, मतलब इतना तपा है ना धरती, अगर आप लोग खुला पैर चलोगे ना तो हालत ख़राब हो जाएगा आप लोग को इस टाइप से। चलिए भाई अंदर चलते हैं और माहौल दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों बच्चों को लेकर आ रहे हैं। दीदी हर हर महादेव, कहाँ ले आए दीदी आप दोस्तों? अच्छा कैसे लगा थे यहाँ पहुँच के आज? अच्छा लगा थे? अच्छा दीदी अच्छा घाम में बैठे हो? नहीं, अच्छा लगा। अच्छा लगा ऐसे माहौल देख रहे हैं दीदी? पहले नहीं देखे थे? अच्छा, अरे गर्मी में भी सब इतना शिव भक्ति आ गए, बढ़िया लगा आज क्रोध हो। हर हर महादेव। ये देखिए दोस्तों लाखों से भक्त दोस्तों अपने बच्चे को लेकर भाई इस प्रकार से तपती धूप में बैठे हैं दोस्तों, 4 घंटा 5 घंटे इंतजार करते हैं और उसके बाद महाराज जी का कथा का श्रवण करते हैं इस प्रकार से। दीदी हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहाँ ले आओ दीदी आप? मैंनर गाँव से। अच्छा इतना जल्दी आ गए हो दीदी? सुबह से आए हो? अच्छा अच्छा दीदी, जगह नहीं मिलेगा कहाँ बैठोगे? अच्छा धूप में बढ़ जाओगे? अच्छा कहाँ से हो बहन? कहाँ से हो? बिलासपुर से हो? अच्छा कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? मजा आ रहा है। अच्छा गर्मी कैसा है यहाँ का? पता नहीं चल रहा है इतना धूप में बहन। अच्छा तो इस प्रकार से दोस्तों शिवमय हो गए हैं, गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है हमारी बहनों को भी माताओं को भी। दोस्तों कहाँ पे बैठे हैं लोग? दीदी हर हर महादेव। कहाँ पहुँचे हो आपन? महादेव घाट ले बच्चे। अच्छा तो दीदी स्कूटी के तीर पर बैठे हो नीचे? वहाँ अच्छा कहीं पे बैठ के सुन रहे हैं? अच्छा क्या करे पंडाल में जगह नहीं है तो धूप में नहीं बैठ सकते, उसी वजह से यहीं पे बाहर। अच्छा थोड़ा छांव मिल जाए करके, क्योंकि गर्मी इतना है कि बता नहीं सकते, इस वजह से यहीं पे बैठे थोड़ा सा। अच्छा कब से सुन रहे हो दीदी कथा को? आज ही आए हम लोग, कल से चालू था। अच्छा आज ही आए। अच्छा बढ़िया लग रहा थी यहाँ? अच्छा हर हर भाई आराम में आई। अच्छा हर हर महादेव देख सकते हो दोस्त। अच्छा कहाँ से हो आप मन? अच्छा इतना धूप मारो दीदी लाना लेकर लेके? अच्छा उपाय करे हो? अच्छा देख सकते हैं दोस्तों 9 साल के बाद भाई। अच्छा 8-9 साल बाद ये देखिए शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 8-9 साल बाद दोस्तों ये आया है दोस्तों साक्षात भोले बाबा, देखिए हर हर महादेव। इस प्रकार से दोस्तों पंडाल में चमत्कार होती रहती है, पंखा दोस्तों छोटी सी गर्मी से बचाने के लिए इस प्रकार से अद्भुत माहौल है। हाँ दीदी कहाँ रहे हो आप मन? गौरव फाटा से। अच्छा कैसे लगा थे आप पहुँच के? बढ़िया लगा थे। अच्छा अत गर्मी में बैठे थे भिंडा ले और हाथ नहीं पिराओ? अच्छा ठीक हर हर महादेव। अरे दोस्तों इतनी उमस भरी गर्मी भाई, पंखा लिए ताकि थोड़ा गर्मी से राहत मिल जाए ऐसे करके बैठे हैं ये लोग, देख सकते हो। दीदी हर हर महादेव। कहाँ से पहुँचे दीदी आप मन? अच्छा कैसे लगा थी पहुँच के? अच्छा गर्मी कैसे यहाँ की? अच्छा अच्छा कथा के बाद कैसे लगते? कथा जब स्टार्ट होते था मौसम के
पता नहीं चले, कोई गर्मी नहीं महसूस होते, लेकिन उतना नहीं है। अच्छा, तो इतना पब्लिक का देख के क्या कहना चाहता हूँ, यही है कि भगवान के श्रद्धा की भक्ति है जो भी है, मतलब आने वाले जो भी भक्त है ओला भगवान के लिए कुछ भी नहीं दिखते, गर्मी ना ठंडी। अच्छा, जो महाराज जी उपाय बताते हैं उसे करते हो कि नहीं? हाँ हाँ, बहुत करते हैं ना, जो भी उपाय बताते हैं भगवान है, महाराज है, भगवान के उपाय करते ना फलित भी होते हैं, हमारे मन से हो तभी हम बाबा के पास आए हैं और आगे हो ही भी, इतना विश्वास है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो इसकी देखने को मिलेगी हमारी माताओं में, हर हर महादेव बता। कहाँ से हो आप? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से हो आप? मैं माधव से आई हूँ। अच्छा, कैसे कैसा लग रहा है तो यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा, पैर वैर दर्द नहीं करता, इतने सुबह से बैठे रहते हो? अच्छा, अच्छा, जो महाराज जी उपाय बताते हैं बहुत सारे, उसे करते हो कि नहीं? करते हैं। अच्छा, तो कितना सिद्ध होता है महाराज जी के जो उपाय बता रहे हैं? होता है सिद्ध। अच्छा, ठीक, तभी इतने लाखों शिव भक्त आ रहे हैं। अच्छा, इतने लाखों शिव भक्त इतने उमस भरी गर्मी में बैठे रहते हैं, क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? मनोकामना पूरी हो। अच्छा, सब इतना श्रद्धा से और भक्ति भाव से बैठे हैं। हाँ, इतनी उमस भरी गर्मी में। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते।